दोस्तों बेंगलुरु के ताज होटल में जेपीसी की मीटिंग इस वक्त जारी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जायजा लेने के लिए बेंगलुरु आई हुई है। बेंगलुरु के और रियासत कर्नाटक के मिल तंजीम समाजी इदारों यहां पर मधु किया गया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में राय जानने की कोशिश की गई है। इस मीटिंग के बाद वजीर आला सिद्धरमैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात फराहम की। चलिए जानते हैं आज जेपीसी के सामने क्या बातें रखी गई हैं और जेपीसी का क्या रिप्लाई रहा है। को भी मौका दिया गया हमारी जो व्यू पॉइंट है बताने के लिए, तो हमने साफ अल्फाज में कहा कि गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस अमेंडमेंट को टोटली रिजेक्ट करती है। और हमने साफ अल्फाज में ये भी कहा ये कि आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये पहले इसके पास हम पहले सेंट्रल काउंसिल में इसको रखना चाहिए था, फिर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी उलमा इकराम हैं उनके साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है उनके साथ डिस्कस करके ये बिल लाना चाहिए था। आप लोग यूनिलैटरली ये बिल ला करा के हैं, ये बड़ी गलती हुई है। और हमने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और दूसरे मजहब के लोग बड़े साफ बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारे मतलब रहन सहन है और हम लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर ये बिल अगर आएगा तो हमने खुले अल्फाज में कहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे और ये लोगों के बीच में लड़ाने की एक साजिश है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ और बड़े अखलाक के साथ हम लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, को एग्जिस्टेंस है, तो इसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर ये जो बिल अगर आप लाएंगे तो इसमें मतलब देहात के लेवल में, तहसील के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट के ज़िला के लेवल में हर जगह मतलब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा और ये एक दूसरे के अंदर नाइतफाकी होगी और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हमने बहुत अच्छे सख्त अल्फाज में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए। और हमने ये भी बताया है कि कर्नाटका के वजीर आला ने भी कहा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट करें और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और जैसा कि लैंड ट्रिब्यूनल, लैंड ग्रांट, लैंड कमीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वक्फ भी स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट में हम लोग हमारे तरीके से इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या जवाब रहा सर? तो हमने जो हमारा जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को सबमिट करें, तो हम उनको चेयरमैन को प्रेजेंट किया है और हमने उनसे ये गुजारिश की है कि इसको टोटली रिजेक्ट किया जाए। जेपीसी में कौन कौन थे सर इस मीटिंग में? इसमें जेपीसी में सारे लोग थे हमारे का, जावेद साहब थे, सलीम साहब थे, वोसी साहब थे, मोहिबुल्ला साहब थे और जितने भी मतलब 31 मेंबर में तकरीबन 22 मेंबर वहां पर मौजूद थे। वहां से कौन थे सर? जेपीसी में चेयरमैन वगैरह आए हैं? हाँ, चेयरमैन हमारे चेयरमैन साहब भी थे, सब लोग जेपीसी के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे मेंबर्स भी हैं, 22 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स होते हैं उसमें 22 मेंबर्स मौजूद हैं, तो सारे लोगों ने इसको सुना। तो आपको बात रखने का पूरा टाइम दिया गया? टाइम भी दिया गया और हमारे से मतलब ये भी कहा गया कि वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था वो हमारे उनको सबमिट करने के लिए भी दिया, तो हमने उनको सबमिट भी किया। क्या लगता है मुसलमान के फेवर में होगा, वक्फ बोर्ड के फेवर में होगा? सी, मुझे लगता है कि ये लोग एक साजिश के तहत इसको किया है, मतलब मैं नहीं समझता कि ये लोग सारे स्टेक होल्डर से बात करके वो जो भी मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोगों ने इसको रिजेक्ट करने के लिए कहा है, मगर मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर पास भी होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हक में नहीं होगा और हम लोग इंशाल्लाह उसके बारे में मशवरा करेंगे उलमा इकराम के साथ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ और उसके बाद अगली कार्रवाई के बारे में सोचें। क्या जेपीसी के सामने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड रखा गया है, मौकूफ रखा गया है? हमने खुले अल्फाज में कहा कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और वजीर आला का जो स्टैंड है वो भी हमने कहा कि हम लोग टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं।
थैंक यू सर। अमित शाह ने बोला आपकी वही उनकी साजिश है तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर।